सर्वप्रथम लोक पर्व हमारा त्यौहार है और इस त्यौहार से ही बाकी त्यौहारों का आगमन होता है। और छत्तीसगढ़ संस्कृति में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, 85% हमारे अन्नदाता किसान भाई लोग त्यौहार करते हैं और कृषि कार्य में लगने वाले उपकरण नांगर और हावड़ा कुदाल गायती सब का हम लोग पूजा करके आज के दिन पूजा पाठ करके घर में रखते हैं। और उसका एक सूचक है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल रहें और अच्छा हमारा खेती किसानी हो, अच्छा बारिश हो, यह भावना को लेकर हम लोग घरेलू त्यौहार को आपस में भाईचारा के अनुसार मनाते हैं। इस वर्ष जनता कांग्रेस हमारे लिए विशेष करके इसलिए और महत्व है कि अभी अभी हमको हल चलाता हुआ किसान तो हमारा निशान मिला हुआ है, नाव चिन्ह हमारा, तो इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ में हर एक विधानसभा क्षेत्रों में जनता कांग्रेस के सभी हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ हरेली त्यौहार मनाया जा रहा है। बिलासपुर में भी हम सभी साथियों पदाधिकारियों के साथ यहाँ पे हरेली त्यौहार पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुश हैं अभी वर्तमान सरकार में? अभी वर्तमान सरकार में तो छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई लोग बहुत ही दुखी हैं, बहुत त्रस्त हैं। आए दिनों हम लोग समाचार पेपरों में पढ़ते हैं कि अमुक गांव का किसान जो है उसका चाहे ऋण के लिए हो या फिर कर्ज लिया हो उसके कारण से आत्महत्या किया। ऐसे बहुत सारे हमारे किसानों को अपने जान की बलि देकर गंवाना पड़ा है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कुछ क्षेत्रों में फसल बीमा के नाम से भी घुमाया जा रहा है सरकार, उसके संबंध में क्या बताएंगे? निश्चित रूप से फसल बीमा किसानों का किया गया है, किसी से 200-500 ले लेके फसल बीमा किए हैं। किसानों को पता ही नहीं है, उनके खाते से पैसा निकाल के बीमा कराया गया, किंतु बीमा के नाम पे किसी को 100 रुपया मिल रहा है, किसी को 400 मिल रहा है। इस प्रकार से एक बहुत ही न्यूनतम जो उनको क्षतिपूर्ति क्या एक उनका जो बीमा कराए थे उसका जो कागजी कार्रवाई है उसके लायक भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्ञापन दिए हैं और आंदोलन किए थे कि किसानों को उचित जो बीमा राशि मुआवजा तत्काल दिलाई जाए। छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोग की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए क्या करेंगे आप लोग, सर बताएंगे? हमारी सरकार आएगी, माननीय अजीत जोगी जी हमारे सुप्रीमो, उन्होंने शपथ पत्र दिया है प्रमुख 10 बिंदुओं पर। सबसे पहले उसमें किसानों के ऊपर बात लिखी है, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य, जो उनका मेहनत है वो वाजिब दाम मिले, 300 रुपया बोनस और बहुत सारे अधिकांश किसानों का ऋण माफी, इसी प्रकार से 5 हॉर्स पावर तक का बिजली माफ, इस प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं उसको तत्काल लागू किया जाए। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.